आ 108 आचार्य बिमल सागर महाराज की जय। मैं सुमेर मल चुड़ीवाल कलकत्ता। मेरे जीवन में आचार्य बिमल सागर जी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। जब जब मुझे कोई तरह की समस्या महसूस होती, मैं उनके पास जाता, वो सरलता से उसको सुलझा देते। सबसे पहले मैं उनसे समझ पकड़ के 1971 में मिला। उससे भी पहले मैंने उनके दर्शन किए थे, लेकिन 1971 में मैं उनसे मिला जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया था। तो मैंने कहा, महाराज ये पढ़ाई लिखाई करके गोल्ड मेडल लेके इस तरीके का काम मुझे पसंद नहीं है, लोगों की खुशामदी करो, लोगों की ये करो। तो उन्होंने कहा, बेटा तू क्या करेगा, पढ़ लिख लिया है, या तो नौकरी करेगा या तू अपना काम करेगा। तो नौकरी यदि करेगा तो तुम्हारा मालिक बोलेगा कि खुशामद करो बड़े अफसर, तो तुमको तो जाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम अपना काम करो, और जिस तरीके से दुनिया काम करती आई है तुम भी उसी तरीके से काम करो, और काम में अपने नियम बनाओ कि भी किसी को मैं तकलीफ नहीं दूंगा, किसी को झमेले में नहीं डालूंगा, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ हुई तो उसको मैं मिटाने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, मैं सही सलाह दूंगा, किसी भी को ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि उसको वो फंस जाए और उसमें कमाई हो, ऐसी सलाह दूंगा कि भाई उसको सब समय तकलीफ नहीं हो, वो बड़े आराम से करे। इस तरीके का उन्होंने जो मुझे शुरू में गाइड किया उसको मैंने अपने पूरे जीवन में ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया। फिर मैं हर साल उनके पास आया जाया करता था। जब वो 1972 में कलकत्ते 1972 में हर साल मैं उनके पास जाता था, सोनागिरी हो, आपके बोरीबली हो, या जहाँ भी उनका चतुर्मास हुआ, एक साल साल में एक बार मैं उनके दर्शन करने जाता था। 1992 में मुझे बहुत ही बड़ा सौभाग्य मिला, महाराज के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ जिसको अपने ये पंचकल्याणक हुआ, वहाँ पर मुझे सौधर्मेंद्र बनने का मौका मिला। और सौधर्मेंद्र बनने से तो मेरी जीवन की काया ही पलट गई। समाज जैसे कैसे काम करना चाहिए, किस तरीके से आदमी को संतुलित रहना चाहिए, कैसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और कैसे लोगों का उपकार करना चाहिए, और कैसे अपना धंधा बिजनेस भी करना चाहिए ताकि आपका घर भी अच्छे से चले और आपकी चीज़ भी अच्छी चले, और दिन दुगुना चौगुना मेरी उन्नति होती चली गई। उन्होंने मेरे से एक और भी कहा कि भाई देखो, तुम जब काम करते हो तो अपने कमाई में से कुछ पैसे हमेशा दान के रखो, जितना तुम दान कर रखोगे उतना ही तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा धन बढ़ता चला जाएगा, और जितने आदमी को हो सकते हो खाना खिलाओ, जितना खाना खिलाओगे उतना ही तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी और तुम्हारा शरीर और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये दोनों की बात मैंने गांठ बांध ली, और उसकी वजह से मैं सभी आचार्य से जुड़ा हुआ हूँ। अभी तो आचार्य शर्मा सागर जी महाराज से भी जुड़ा रहा, शर्मा सागर जी महाराज भी उनके शिष्य थे, बिमल सागर जी महाराज के शिष्य थे, मैं उनका संघपति रहा, संघ चलाने का भी काम मुझे मिला, आज भी मैं वहाँ पर संघपति हूँ। मेरे तरफ से एक चुका चलता है, जो महाराज के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से ही शुरू किया गया था। और जब भी मैं विचलित होता मैं उनके पास जाता और मुझसे कहता, बेटा तू आ गया, अच्छा तो बता तेरी क्या समस्या है, बोले बस एक मिनट में उसको सॉल्व कर देते थे। इस तरीके से उनका जीवन पर बहुत असर रहा, क्या बताऊँ, हर जगह हर महीने हर समय में कोई ना कोई उनका उपकार होता रहता। उन्होंने भी दान देने की बहुत प्रेरणा दी, जगह जगह मुझे दान देने के लिए कहा, मैंने दिया भी, और उससे मेरे जीवन में बहुत अच्छी घटनाएं घटी, बहुत उन्नति हुई, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सब गुरुओं के आशीर्वाद से हूँ। 3-4 गुरु का आशीर्वाद मेरे को रहा ज़्यादा, एक महाविकीर्ति जी महाराज जो बिमल सागर जी महाराज के गुरु थे, एक बिमल सागर जी महाराज गुरुदेव खुद, एक उनके शिष्य शर्मा सागर जी महाराज, जिनका मैं आज भी बहुत, इन सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। अब आप लोग जैसा बता रहे हो कि भी बीच में यहाँ पर हमारे कलकत्ते में उनका 100वां जन्मदिन, जन्म जयंती मनाई गई थी, उस कमेटी का मैं अध्यक्ष था, और यहाँ की मुनिसंघ कमेटी का भी मैं अध्यक्ष हूँ और था उस वक्त, और हम लोगों ने उस फंक्शन को बड़े अच्छे तरीके से किया और स्वतः ही सारा काम होता चला गया। उस समय आचार्य चेत सागर जी महाराज यहीं पर थे और उनके सानिध्य में ही सारे फंक्शन हुए, और मुझे भी खूब धर्म लाभ मिला, खूब आनंद आया ऐसा फंक्शन करके।
अब जो फंक्शन होने जा रहा है गुरुदेव का 25वां समाधि दिवस समय शिखर जी में मनाया जा रहा है। समाधि से भी मेरा बहुत बड़ा संपर्क है। जब गुरुदेव की समाधि हुई थी तो उस वक्त की एक घटना है, उस वक्त समाधि के लिए सामान चाहिए था और रांची सब बंद थी, रविवार का दिन था शायद, और कलकत्ते से सामान लाना था। मेरे आदमी अगर तगर जितने भी केसर वगैरह सब लेके और रात को 1 बजे यहाँ से निकले, और जैसे ही वहाँ 1 बजे दिन में 1 बजे पहुँचे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, और उसी वक्त महाराज का वो फंक्शन होना था और वो फंक्शन बड़े सुंदर से हुआ। और हम लोग जो स्केटर थे, अलग अलग थे, हम लोग 9 आदमी जो उनके परम भक्त थे, वो सब उसी दिन मिले और आज तक हम लोगों का आपस में प्रेम और स्नेह चलता है। तो ये उसी की एक कड़ी है जिसमें हमारे सभी साथी लोग अभी ये 25वां महाराज का समाधि दिवस शिखर जी मनाने जा रहे हैं। शिखर जी अपने आप में भी बहुत अच्छा स्थल है और गुरुदेव को बड़ा पसंद था शिखर जी, उनकी समाधि भी वहाँ बनी हुई है। आपके कोई भी मनोकामना हो वो तुरंत पूरी होती है। मेरा जो बड़ा लड़का है अजय, वो तो हर महीने समाधि के दर्शन करने जाता है, खुद गाड़ी चला के ले जाता है, खुद सुबह निकलता है, शाम को दर्शन करके लौट के आता है। और उन्हीं के कहने से मैं भी भगवान का अभिषेक करता हूँ, मेरा लड़का भी भगवान का अभिषेक करता है। 25वीं समाधि के लिए मैं सारी समाज को आह्वान करता हूँ कि भाई ऐसे गुरुदेव की जो प्रातः स्मरणीय थे उनकी समाधि दिवस खूब अच्छे से मनाया जाए, सारी समाज इकट्ठा हो और इसको बढ़िया से इस फंक्शन को खूब ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, ताकि लगे हाँ हम गुरुदेव को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोग आचार्य बिमल सागर जी महाराज जी की 25वीं पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं समय शिखर जी क्षेत्र में। ये कार्यक्रम 28, 29, 30 तीन दिन होगा। मैं पूरी जनता को, पूरी जैन समाज को आह्वान करता हूँ कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और गुरुवर को श्रद्धांजलि दें, ताकि ये पता चले कि जैन समाज में गुरु के कितने भक्त थे और लोगों के आज भी उनके प्रति कितनी आस्था है। समय शिखर जी क्षेत्र वैसे भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ दर्शन करने का, पहाड़ जाने का वो भी आपको मिलेगा, आपको उसकी भी सुविधा मिलेगी और आपको गुरुदेव की ये समाधि दिवस मनाने का भी अवसर मिलेगा। और ये बहुत अच्छा मौका है जो आप गुरुदेव को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के जैन समाज को, दिगंबर जैन समाज को आह्वान करता हूँ कि आप ज़रूर ज़रूर पधारें।